अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों को मैं पाई डिजिटल करेंसी के बारे में बताऊंगा कि आप पाई पे किस तरह से 100% फ्री माइनिंग कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि बिल्कुल फ्री माइनिंग करके आप पाई किस तरह से कमा सकते हैं और बाद में आप उस पाई को यूएसडी डॉलर यानी कि अमेरिकन डॉलर्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर आप उसको अपने पाकिस्तानी रुपीज, इंडियन रुपीज या अपनी लोकल करेंसी में किस तरह से लेके जा सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसके बाद हम बात करेंगे कि पाई को किस तरह से सेल कर सकते हैं और या पाई को किस तरह से बेच सकते हैं, क्योंकि करंट न्यूज़ के मुताबिक वैल्यू 50 से 100 डॉलर्स के दरमियान चल रही है। जी हां, आप एक पाई को 50 से 100 डॉलर के रेट पे बेच सकते हैं। जितनी जल्दी हो वीडियो को आखिर तक देखें, पाई पे अपना अकाउंट बनाएं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप लोग किस तरह से पाई पे अपना अकाउंट बना सकते हैं और पाई एप्लीकेशन पर फ्री माइनिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाके पाई नेटवर्क के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये मुझसे पूछते हैं कि कंटिन्यू विद फेसबुक या कंटिन्यू विद फोन नंबर। आप लोगों को जिस तरह से इजी लगे आप लोगों ने उस तरह से लेके चलना है आगे। तो फेसबुक के साथ आप लोग जाएं तो आपकी मर्जी है, या फोन नंबर के साथ। तो हम फोन नंबर के पास जाते हैं क्योंकि फोन नंबर आजकल के दौर में हर इंसान के पास मौजूद होता है। तो फोन नंबर पर जाके आप लोगों ने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है कि आप लोग किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और किस कंट्री के फोन नंबर से आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है। तो जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिखूंगा और अपना फोन नंबर यहां पर एंटर करूंगा। नंबर लिखने के बाद ये आप लोगों से ईमेल पूछेंगे, तो ईमेल आप लोगों ने एक दफा लिख के दोबारा उसको वेरीफाई करने के लिए दोबारा लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों से जो पासवर्ड मांगेंगे तो पासवर्ड आप लोगों का मिनिमम 8 करेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें एक डिजिट, एक अपर केस लेटर और एक लोअर केस लेटर होना चाहिए। पासवर्ड आप लोगों ने एक बार लिख के उसे दोबारा वेरीफाई भी करना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद, ईमेल के वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों ने अपना अकाउंट सेटअप करना है, यानी कि आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यूज़र नेम चूज़ करना है। सिंपल, आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर करेंगे और यूज़र नेम के बारे में याद रखिए कि यूज़र नेम आप लोगों ने ऐसा चूज़ करना है जो किसी यूज़र ने पहले ना लिया हो। लेट्स सपोज मैं ट्राई करता हूँ सोबान5, तो देखते हैं कि तो ये कह रहे हैं दिस यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी इन यूज, प्लीज़ ट्राई अनदर वन। तो ये यूजर नेम हमारा वैलिड था। इसके बाद हमारे पास आएगा इनविटेशन कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनविटेशन कोड आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा या आप लोगों को स्क्रीन में भी नजर आ रहा होगा, सोबान05। आप लोगों ने इनविटेशन कोड सोबान05 एंटर करना है। अब ये देखिए, इनविटेशन कोड का ये एडवांटेज है कि मेरे पास ऑलरेडी पाई एप्लीकेशन मौजूद है और मैं इसमें ऑलरेडी माइनिंग कर रहा हूँ और मेरे पास अभी 500 पाई मौजूद हैं। तो जितनी पाई की स्पीड मेरी है तो इस स्पीड से आप लोगों की माइनिंग होगी, इसका फायदा आप लोगों को भी होगा। तो आप लोगों ने यहाँ सिंपल एंटर करना है सुबान05 और सबमिट पे क्लिक करना है। तो सिंपल, ये आप लोगों का पाई पे अकाउंट बन गया और ये आप लोगों को पाई के इंटरफेस पर ले आएंगे। तो ये आप लोग जब देख रहे हैं, आप लोगों ने पाई माइनिंग पे क्लिक किया तो आपको कहते हैं कीप ऑन माइनिंग, पाई माइनिंग सेशन ओनली लास्ट फॉर 24 आवर्स। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि आप हर 24 घंटे के बाद माइनिंग कर सकते हैं। तो यस पे क्लिक करेंगे तो ये टूर है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं या आपको लोगों को गाइडेंस के लिए। तो जी हाँ, जो ही अपने पाई माइनिंग पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारी माइनिंग स्टार्ट हो गई है और आप ऊपर यहाँ देख सकते हैं कि हमारी एक पाई बन चुकी है। यानी कि इस एक पाई का मतलब आप लोगों के पास 55 से लेकर 60 डॉलर्स की अर्निंग हो चुकी है। ये सिंपल था कि आप लोगों ने अपना पाई पे अकाउंट किस तरह से बनाना है और इस पे माइनिंग किस तरह से स्टार्ट करनी है। तो आप लोगों ने हर 24 घंटे के बाद जाके इस बटन पे क्लिक करना है, ये जो ग्रीन कलर का हो गया है। तो इस बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों की माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी और इस माइनिंग से आप लोगों के पास दिन ब दिन पाई बढ़ती जाएगी। उम्मीद है आप सब लोगों को इस वीडियो में समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने पाई अकाउंट को किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि वेरीफिकेशन के बगैर आप लोग पाई विड्रॉ नहीं करवा सकते। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।